हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हो आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ चाय और पकोड़े बनाने के लिए, गोभी के पकोड़े। आप सोच रहे होंगे कि 11 बजे चाय पकोड़े के क्या खाने का मतलब है? वो इसलिए, मैं तो सुबह चाय पी ली थी तो हमारे हस्बैंड बस अभी आए, वो बाहर गए हुए थे कुछ काम से तो उनको लेट हो गया था। सुबह चाय भी नहीं पी रखी थी तो बस वो अभी आए हैं, वो गए नहाने के लिए तो अभी वो खाना नहीं खाएंगे। वैसे मैंने बनाया भी नहीं है कुछ, सिर्फ नाश्ता में सुबह कर ली थी तो उन्होंने बोला कि मुझे गोभी के पराठे खाने हैं, सॉरी गोभी के पराठे बोली, गोभी के पकौड़े खाने हैं। तो मैं यहाँ पर गोभी की, ये आप देख लो, ये गोभी को मैंने अच्छे से, इसको मैंने बॉईल कर लिया। आपको पता है कि कभी कभी गोभी में कीड़े भी निकल जाते हैं तो उसकी वजह से फिर स्वाद खराब हो जाती है। और कुछ गोभी मैंने यहाँ काट रखे हैं, इसकी बनाऊंगी मैं कोफ्ते। और ये एप्पल देख रहे हैं, नमन को एप्पल खाने थे तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय और गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिए और पानी भी काफ़ी गर्म हो गए थे, तो मैं इसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर जब ये पूरी अच्छे से इसमें खोल जाएगी उसके बाद फिर मैं दूध डालूँगी। और दूसरी तरफ भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, और अब मैं इसमें डालूँगी सरसों के तेल। तो मैं तो पकौड़े सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो सरसों के तेल में मुझे अच्छे लगते हैं। तो सरसों का तेल तो वैसे भी अच्छा होता है, गर्म होता है, तो मैं सरसों का तेल ज़्यादा यूज करती हूँ। तो अभी तेल जब गर्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें पकौड़ी में इसमें डालूंगी मैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मेरी चाय अभी खोल रही है अच्छे से। जब ये अच्छे से पूरी पक जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद उसके बाद फिर मैं लास्ट में इसको दूध डालूंगी। और अभी मैं बेसन की घोल तैयार करूंगी। तो इसमें मैं 4 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी थी तेल गर्म होने के लिए। जब वो तेल अच्छे से गर्म हो जाते हैं तो फिर जल्दी पकौड़े बन जाते हैं, वरना फिर बैठ के बस के लिए इंतज़ार करो कि तेल कब गर्म होगे। तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी इसमें नमक डाली हूँ, उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसके ना अजवाइन है, वो अजवाइन डाले। तो अजवाइन तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, गैस नहीं होता है। एक चुटकी इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला एक चुटकी, फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सॉरी खांसी आ गई थी मुझे, तो एक चुटकी फिर इसमें मैं डालूँगी क्या बोलते हैं लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं सारी जो बेसन की जो घोल होती है मैं सारी इकट्ठी कर ली थी और मैं उसकी घोल तैयार कर रही थी। तो वही मैं पानी निकाल रही थी आरओ से, तो बस वही मैं घोल बना रही थी। तो घोल बनाने के बाद फिर मैं फटाफट जो है मैं गैस ऑन करूँगी, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैं बना के फिर मैं इनको दे दूँगी। और यहाँ पर मैं एप्पल काट रही थी नमन के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि ये हाथ में मेरे एप्पल है, तो वो काफ़ी देर से बोल रहा था मम्मी मुझे एप्पल काट दो। तो मैंने उसे कहा कि बेटा 5 मिनट रुक जाओ फिर मैं तुम्हें काट के देती हूँ। तो बस मैं वही एप्पल काट रही थी। और यहाँ पे मेरी चाय बिल्कुल तैयार हो रही है और यहाँ पर कढ़ाई पे भी तेल गर्म हो गए हैं। तो अब मैं चलती हूँ उसमें, एक एक करके इसमें मैं डालूँगी पकौड़े। तो बस आप देखिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा ऐसे मसाले ऐड नहीं करी थी, मैंने आपको दिखाया भी था। बेसन, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और नमक, बस यही सब मैं डालती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो पकोड़े में मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मैंने तो आपको दिखाया भी था।
तो गोभी को मैंने पहले इसको हल्के से मैंने इसको बॉईल कर लिया था, वो इसलिए कि कभी कभी गोभी में कीड़े होते हैं, तो इससे अच्छा कि आप इसको एक बार बॉईल कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर होता है और पकने में भी आराम होता है। तो बस बस मैं अपना पकौड़े जल्दी ले बना लेती हूँ, और उधर साइड मेरी चाय भी पक चुकी है, तो मैंने गैस को बहुत कम कर दिया है कि मतलब जल्दी जल्दी चाय सूख ना जाए। फिर मैंने इनको चाय वगैरह दे दिए थे, तो फिर मैं किचन में आ गई थी, तेल भी काफ़ी इसमें गर्म थे, तो फिर मैंने इसी टाइम में मैंने इसके कोफ्ते बना लिए थे। मैंने आपसे बताया था ना कि बाकी के गोभी के मैं आज कोफ्ते बनाऊंगी, तो वही मैं कोफ्ता करी बना रही थी। तो फिर मैंने भी उसमें वही डाला जो मैंने पकौड़े के टाइम पर जो मैंने डाला था सारे सामान, बस मैंने वही डाला इसमें, जीरा अजवाइन थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और मैंने बाकी कुछ नहीं डाला, तो बस मैं यही बना रही हूँ। तो और कुछ मैं ज़्यादा लंच में नहीं बनाऊंगी, बस कोफ्ता करी बनाऊंगी और सिंपल सी बस मैं चावल बनाऊंगी। तो बस मेरी लंच आप देख सकते हैं, मेरी लंच पूरी तैयार होगी, आप भी आइए गर्मा गर्म लंच खाइए।